गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पीके सर, योर केमिस्ट्री सर, वेलकमिंग यू टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस चैप्टर में क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए हम इससे पहले बहुत से लेक्चर्स देख चुके हैं, बहुत सारे वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, काली क्लिक कीजिए, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन अगर कोई आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब भी कोई क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 99% चांसेस है कि यहीं से आता है, ठीक है। तो आप सब समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेविटी ऑफ दिस टॉपिक, करेक्ट, इस टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से लर्न कीजिए, थोड़ा सा टफ भी है, मीन्स टफ इतना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, हाँ, लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल बोलते हैं ना, कुछ लोग ऑर्बिटल भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, तो ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं या ऑर्बिटल भी आप लोगों को सुनने को मिल सकता है, करेक्ट। लेकिन सही वर्ड जो है वो है ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल भी बोलने वाले बोल सकते हैं। चलिए, ऑर्बिटल और ऑर्बिट, इन दोनों की एक कंपैरिजन की बात करते हैं हम पहले, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, करेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार बोर्ड एग्जाम्स में, पहले तो, अब तो क्या है ये 11th का पार्ट है, पहले 12th में होता था ये। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, अच्छा इसमें नॉन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑर्बिट का मीनिंग ये था कि बोहर के एटोमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है, पता है हमें, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, करेक्ट। ये जो सर्कुलर पाथ है इसको ही बोहर ने क्या नाम दिया था, ऑर्बिटल नाम दिया गया था। तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट की बात करें, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्वांटम एटॉमिक मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आता है इसका नाम। तो ऑर्बिटल तो वहाँ से वर्ड आता है, ठीक है, मॉडल, और ये बोहर के मॉडल से आता है, ठीक है। फिर सेकंड बात इसकी हम करें, ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। अब ऑर्बिटल क्या है या ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की प्रेसाइज पोजीशन की बात करोगे तो फिर उसका जो प्रेसाइज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, या अगर आप प्रेसाइज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रेसाइज पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते। इन दैट केस जो हमने कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है इसके लिए क्वांटम एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, तो वो ये कहता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो चांस है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का घर है, न्यूक्लियस के चारों ओर जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये कहानी थी ऑर्बिट और ऑर्बिटल की, अगर ये समझ में आ गया आपको तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द अदर थिंग्स हियर, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं एटम के अंदर, चलिए घुसते हैं अंदर, क्या एटम के अंदर क्या होता है। देखिए, किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस, किसी न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और ये यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस का एक इलाका है, एक एरिया है जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इनके मिलने का जो चांसेज है वो ज़्यादा, देखिए यहाँ पर कम है। यहाँ पर ये जो क्लाउड जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेज कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेज ज़्यादा है, यहाँ पर कम है यहाँ ज़्यादा है। यानी ये जो स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर का जो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना द प्रोबेबिलिटी द पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसको ही तो हम ऑर्बिटल या ऑर्बिटल वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए स्मॉल साइज का ऑर्बिटल है, छोटी साइज का ऑर्बिटल है, तो जाहिर सी बात है उसका स्पेस कम होगा, और अगर स्पेस कम होगा तो इसका मतलब वो जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस भी कम होंगे, और अगर बड़ा स्पेस है, बड़ा साइज का अगर ऑर्बिटल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज़्यादा चांसेस होंगे। करेक्ट। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है उसका जो शेप है और उसका जो ओरिएंटेशन है वो भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। तो तीन चीज़ें हो गई आपके पास, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। तो आपका ऑर्बिट जो है, सॉरी ऑर्बिटल जो है उसका साइज कैसा है, छोटा साइज है या बड़ा साइज है, एक तो ये बात होगी। शेप, उसका शेप कैसा है उसके बेसिस पे, और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब अलोंग विच एक्सिस, अलोंग विच एक्सिस, ये तीनों चीज़ें जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है कि कोई भी एटम का जो ऑर्बिटल होता है, कोई भी एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं, कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं जिनसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये जो ऐसे सर्टेन जो नंबर्स होते हैं उनको ही हम क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्वांटम नंबर कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। ये आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या होता है। करेक्ट, पहली बात इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, n का मतलब होता है n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, कब तक, जितना आपके पास लिखने का कैपेसिटी है उतना। और n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, n की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, n की वैल्यू 0 होने का मतलब कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है कि n की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। ठीक है, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि n जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा या n हमेशा डिक्रीज होगा। करेक्ट, ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, किसी एटम के चारों ओर, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की उसकी भी हम बात करता है। एक तो साइज की बात कर दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है ये है क्या एक्चुअली, ये इसको हम शेल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शेल। ठीक है, अब आपको याद होगा छोटी क्लासेज में आपने एक डायग्राम बनाया होगा ऐसा करके, एक ऐसा डायग्राम बनाते थे, अभी भी हमने इस चैप्टर में बनाया था कुछ ऐसा डायग्राम। दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट वाला जो डॉटेड सर्किल उसको हम K बोलते हैं, फिर L बोलते हैं, फिर M आता है, और उसके बाद में N आता है। ऐसे ही इनको हम N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। ये जो N है यही तो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो शेल है उसका जो नंबर है वही तो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमें ये भी पता है कि ये जो शेल होते हैं या ये जो ऑर्बिट हैं, अगर बोहर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जो बोहर के कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिट है n की वैल्यू क्या है, ऑर्बिट का नंबर है। नंबर वन ऑर्बिट मीन्स न्यूक्लियस के सबसे पास में, नंबर टू मीन्स न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर, वन के बाद में। करेक्ट, तो ये जो है ये क्या बताता है हमें, साइज़ की बात भी करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें साइज़ के बारे में बताता है। सिंपल सा है, n की वैल्यू इंक्रीज होगी, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस एटम का साइज़ भी इंक्रीज होगा। करेक्ट, साइज़ की बात हो गई। साइज़ के अलावा दूसरा है एनर्जी, एनर्जी।
अब ये एनर्जी की भी बात बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रॉन की या उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो भी हमें पता चलती है। अब देखिए कैसे पता चलती है। देखिए ये न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं हम लोग। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मानते हैं हम। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होता है। स्टैटिक नहीं बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से बाउंड है, यानी इसे बंधे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर n इजिकल टू वन, या फर्स्ट सेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से मूव करके दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनका बंधन है, बंधन का मतलब समझते हो, फोर्स, एक टाई अप जो होता है इनके बीच में, जो ये बॉन्डिंग है उसको तोड़ना है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो उसके लिए आपको पहले कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड होने के बाद में फिर इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। तो जितनी एनर्जी दोगे उसके अकॉर्डिंग ये अपनी जर्नी आगे तक कर पाएगा, करेक्ट। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन इस जगह पे प्रेजेंट है, या इस जगह पे प्रेजेंट है, ये उसका एनर्जी का लेवल भी बताता है। कौन? n इजिकल टू वन, n इजिकल टू टू, n इजिकल टू थ्री, ठीक है। तो साइज बताता है और एनर्जी की भी बातें करता है, करेक्ट। चलिए अब इसके बाद में जो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जैसे जो एटम्स या स्पीसीज होते हैं, यानी कि सिंपल से बोल सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उनके लिए जो एनर्जी और जो साइज होती है ऑर्बिटल की वो केवल और केवल n के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अभी हम आगे देखेंगे, तो उन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो है एनर्जी की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज के बारे में बताता है और एनर्जी के बारे में बताता है। लेकिन ये जो एनर्जी की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही डिटरमाइन नहीं होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसको कुछ अफेक्ट करता है, या उसके ऊपर भी ये कुछ डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। अब जैसे जैसे किसी एटम के अंदर, जैसे जैसे किसी एटम के अंदर n की वैल्यू इंक्रीज होती है, n की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। और किसी n ऑर्बिट के अंदर या किसी n सेल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स, उसका जो वैल्यू है वो होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर के इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसको 3 स्टार देना चाहूँगा, ठीक है। दिस इज ए 3 स्टार फॉर्मूला, करेक्ट। छोटा सा है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, और गलती हो जाती है, छोटी सी गलती, ठीक है, लेकिन नुकसान ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए आपने अभी तो कोई एग्ज़ाम जो है आपका कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये तो क्या है, CBSE का जो है नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम होगा या नॉन बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो उसमें तो कोई गलती करने पर आपको सज़ा नहीं मिलती है, ठीक है, 0 आ जाएगा, तो 0 तो मिला ना। लेकिन देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सॉरी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब इन 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में से एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ठीक है, 3 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया, तो अगर नॉन बोर्ड एग्ज़ाम होता या रिटन एग्ज़ाम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलती करने पर आपको सज़ा मिलेगी। इस क्वेश्चन का जो है कुछ आपको माइनस मार्क्स पे करना होगा, इसकी गलती जो है उसकी सज़ा मिलेगी आपको, ठीक है। तो या तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। अगर करोगे तो गलती होने पर सज़ा मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, एक मार्क्स का है, आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 4 में से आपके 3 क्वेश्चन सही हैं और 1 क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन के सही मार्क्स मिले आपको 3, ठीक है, लेकिन ये 1 क्वेश्चन जो गलत है इसका 1 माइनस मार्क हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, आपके पास कितना बचा, 2 क्वेश्चन सही बचे और 2 मार्क्स ही मिले आपको। तो ये होता है माइनस मार्किंग का खेल, जो आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करता है।
चलिए समझ ही जाएंगे आप लोग धीरे धीरे। किसी एक एटम के लिए, किसी एक एटम के लिए जितने भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं एन वैल्यू के लिए, एन वैल्यू के लिए, किसी एन सेल वाला जो एटम है सिंगल, उसके लिए जो टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए एन इजिकल टू वन देख चुके हैं हम यहाँ पे, एन इजिकल टू टू थ्री फोर फाइव। एन इजिकल टू वन जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या सेल बोलते हैं उसको, सेल के, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ। अब एक क्वेश्चन पूछा किसी ने मेरे से कि सर इसको कैसे स्टार्ट क्यों किया, एन इजिकल टू वन को हमने कैसे स्टार्ट क्यों किया, ए बी सी डी में तो ए आता है पहले, ए से स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो भाई ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस एक हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जिसने भी ये नोमेनक्लेचर किया है, हो सकता है उसकी जो अगर लड़का था तो उसकी जो मींस जो गर्लफ्रेंड है या जो उसकी वाइफ है, जो आदमी था तो उसकी वाइफ, उसका नाम कैसे शुरू होता होगा, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी उसका नाम कैसे शुरू होता होगा। सो दिस इज़ अननोन, ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कि इसने कैसे स्टार्ट क्यों किया, बट आपको तो याद रखना है, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। चलिए जैसे जैसे ऑर्बिटल का, जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता है, तो नहीं, जैसे जैसे n का साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे n का साइज इंक्रीज होता है यानी कि n की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज भी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा, करेक्ट। और इसको हम दूसरे तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि n की वैल्यू इंक्रीज होने पर, n की वैल्यू इंक्रीज होने पर, देखिए यहाँ पर n, यहाँ पर 1 है, और ये मान लीजिए n की वैल्यू 4 वाला है, 3 वाला है, और ये है 4 वाला। तो n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 4 में क्या डिफरेंस आ गया, जैसे जैसे आप n की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर भेजने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों में अट्रैक्शन है, एक बंधन है, बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, उसको हिलाना है, तो उसके लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ तक पहुँचेगा दूसरे अदर हायर ऑर्बिटल में, हायर शेल में, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। ये सब बातें हैं आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, नाम दिया हुआ है एजीमुथल, क्या है इसका मीनिंग याद नहीं रखना, सिर्फ नाम रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन 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 इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम दो और नाम है वो भी आपको याद रखने हैं, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपको याद रखना है। और एक और नाम दिया हुआ है सब्सिडियरी, सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, जो फर्स्ट है उसका हेल्पर जो है उसको हम सब्सिडियरी बोलते हैं, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है, शॉर्ट में QN। ये तीन नाम है इसके, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड थर्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और इम्पोर्टेंट बात जो है वो है इसका नोटेशन, तो सभी को याद रखना है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से, कैपिटल एन किसके लिए था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, स्मॉल एम किसके लिए है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए ये तो हो गई इसकी पहली बात, अब इसके बाद में ये क्या बताता है, स्मॉल एल जो है वो क्या कहानी कहता है, किसके बारे में बताता है, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो स्मॉल एल है ये हमेशा शेप की बात करता है। अब शेप किसकी, ऑफ कोर्स ऑर्बिटल की, शेप ऑफ ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, और शेप भी कौन सी, 3D, 3D का मतलब थ्री डायमेंशनल शेप जो होता है उसकी हम बात करता है, ठीक है। अब ये जो n है, सॉरी l जो है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना l की वैल्यू n से डिसाइड होती है, l इज़ डिपेंडेंट अपॉन n, n जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग l होगा, करेक्ट, याद रखना है। तो L की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है,
फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलेगी, n माइनस वन तक। n की वैल्यू जितनी होगी उससे एक कम तक इसकी वैल्यू होती है, जीरो से लेके n माइनस वन तक इसकी टोटल वैल्यूज हो सकती है l की, करेक्ट। और अगर आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू फॉर एनी गिवन n, अगर आपको n की वैल्यू कुछ गिवन है तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी हो सकती है, L की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो L की वैल्यू होगी जीरो, जीरो से स्टार्ट होती है और फिर जीरो के बाद में क्या आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यू है L की। तो देखिए N की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, वन से। L की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा जीरो से, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर N की वैल्यू वन हो तो, N की वैल्यू वन हो तो L की वैल्यू कितनी होगी, जीरो से लेके n माइनस वन तक। n माइनस वन कैसे, देखिए आपने कहा कि आपके पास n की वैल्यू वन है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। n की वैल्यू वन है तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें मालूम है कि किसी n के लिए l की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो से लेके n माइनस वन तक। तो l की वैल्यू होगी एक तो जीरो, L माइनस वन, एन माइनस वन यानी n की वैल्यू तो है वन, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, जीरो का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब L की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पर n इज इक्वल टू वन के लिए। n इज इक्वल टू वैल्यू के लिए कितनी होगी, वन होगी, ये है n इज इक्वल टू वन के लिए L की वैल्यू। अब n की वैल्यू अगर टू हो जाए तो, n की वैल्यू अगर टू हो जाए तो देखते हैं, L की वैल्यू जीरो होगी एक तो, और एक वन होगी, जीरो और वन। कैसे, वन कहाँ से आ गया, ये n क्या है टू, ये n क्या है टू, और ये माइनस वन, टू माइनस वन क्या हो गया, वन। इन द सेम वे इफ़ n की वैल्यू थ्री हो तो, n की वैल्यू थ्री हो तो देखिए क्या आता है, जीरो तो आएगा आएगा, फिर वन आएगा और फिर टू आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने का तरीका है, याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो भी है n है उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, करेक्ट। कोई भी जो शेल होता है, कोई भी जो शेल होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब शेल होते हैं, एक या एक से ज़्यादा सब शेल या सब लेवल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सब शेल होता है किसी भी प्रिंसिपल शेल के अंदर, ये जो सब शेल होता है ये किसके इक्वल होता है, उस शेल के इक्वल होता है। समझ में नहीं आया, देखना सब शेल क्या है, इसको सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बॉक्स का नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर अलग अलग और बॉक्स रखे हुए हैं, अलग अलग और बॉक्स रखे हुए हैं। वो जो अलग अलग बॉक्स है उन बॉक्स का नाम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब उस एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके अंदर भी क्या है, और बॉक्स है छोटे छोटे, और वो जो और बॉक्स हैं उनको हम बोलते हैं सब सेल या सब लेवल्स, ठीक है। तो ये इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। द नंबर ऑफ सब सेल्स इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए कि n की वैल्यू 1 लेते हैं तो n की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी आएगी, 1, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो l की वैल्यू हमेशा एक ही आती है, और जिसका वैल्यू होता है 0, वैल्यू 0 है लेकिन कितनी है टोटल, 1 है, एक ही वैल्यू है 0 वाली, ठीक है। इन द सेम वे एल की वैल्यू टू लिया आपने तो जीरो और वन होगा, करेक्ट। तो ये सब आपको याद रखनी है। अब ये जो सब सेल्स की वैल्यू जो है, ये एल इजक्ल टू जीरो, ये एल इजक्ल टू जीरो वन, ये इनको एक पर्टिकुलर नोटेशन गिवन है, इनको एक पर्टिकुलर नोटेशन दिया गया है इनको। और ये जो नोटेशन है ये आपको इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो चलिए हम भी इनको देखते हैं कि इनका नोटेशन क्या है और इनका क्या मीनिंग है। L की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, L की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। L की वैल्यू अगर जीरो है तो उसके लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं, नोटेशन सब सेल के लिए, उसको हम बोलते हैं s, small p, small d, small f, small g और फिर आगे h, आगे ऐसे भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है कि l की वैल्यू जीरो के लिए आपने s से स्टार्ट क्यों किया, s क्या है यहाँ पर, ये सब सेल का नोटेशन है, सब सेल जो है उसका नोटेशन है, स्मॉल s है, ये ध्यान रखना, स्मॉल s है, ठीक है, s p d f।
ये सब सेल्स के नोमेनक्लेचर्स हैं, ठीक है। अगर एल की वैल्यू जीरो है उसको हम एस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पी इसके लिए, वन के लिए, डी टू के लिए, एफ थ्री के लिए, जी फोर के लिए, एंड सो ऑन। आगे जो है वो आपका इंग्लिश का ऑर्डर चलता है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 इन द सेम वे, करेक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए, टेबल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, टेबल 2.4, टेबल 2.4, और ये टेबल जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये टेबल इम्पोर्टेंट है, और ये बताती है कि किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ध्यान से देखिए, किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए L की क्या क्या संभावना हो सकती है, L की वैल्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस टेबल में देखिए, n की वैल्यू जब 1 होती है तो उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, ये तो हमें मालूम ही है, अभी हमने देखा था। और उसके लिए हम नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, जब हम नोटेशन यूज़ करेंगे किसके लिए, सब सेल के लिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, 1 तो क्या डिसाइड करेगा, n की वैल्यू को, और ये जो s है 1s, ये s क्या डिसाइड करता है कि कौन सा आपका सब सेल है, 1s, करेक्ट। इन द सेम वे n की वैल्यू 2 की बात करते हैं, n की वैल्यू जब 2 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू 2 में l की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 होगा या 1 होगा। जब 0 होगा, इस 0 के लिए हम नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, 2s, और 1 की वैल्यू जो होती है उसके लिए हम p यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर n तो है 2 और l कितना है, p, l का नोटेशन क्या है, p। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि 2 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और पी क्या है, उस सब सेल का नोटेशन है, ठीक है। इन द सेम वे अगर एन की वैल्यू 3 हो तो, टेबल में देखिए एन की वैल्यू 3 होते हैं तो उसके लिए 3 वैल्यूज़ पॉसिबल होती है, 0, 1 एंड 2। 0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p, और 3 के लिए 2 के लिए 3d। इन द सेम वे 4, तो ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो उसमें आप लोग इजीली इसको जल्दी जल्दी सीख भी जाएंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। चलिए ये कहानी थी दोनों की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अब आता है हमारा थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर थर्ड वन, ठीक है। और ये जो थर्ड वन है इसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक, सिंपली इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं कई बार, ऑर्बिटल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पर L लिखा जाता है, M और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है स्मॉल L। L कौन सा है, ये L वो है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का L है वो, ठीक है। ये जो M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है कि वो जो आपका स्पेस के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक एटम है, एटम को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। जब एटम को नहीं देख सकते तो इलेक्ट्रॉन को तो संभावना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके अंदर घुस गए हम, इलेक्ट्रॉन के भी अंदर घुस गए हैं, एटम के अंदर घुस गए हैं, और वहाँ पर हम कंपेरिजन, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि एटम और उस एटम के अंदर कोई एक ऐसी स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिल सकता है। ये सब कहानी जो है ना, ये सब मतलब कहानी नहीं बोलूँगा, एक्चुअली ये जो सब कुछ है वो सब क्या है, इमेजिनेशन है। आपको सब कुछ ये सब इमेजिन करना होगा यहाँ पर कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है या होता होगा। अंदर तो कौन जाएगा, एटम के अंदर तो जाना इम्पॉसिबल है ना। एक मूवी है जिसके अंदर जो हीरो होता है और जो हीरोइन होती है वो किसी एटम का साइज़ ले लेते हैं और फिर वो उस किसी पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट या कोई होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। और फिर वो पता नहीं क्या कहानी है, टाइम ट्रेवल करते हैं और किसी दूसरी दुनिया में चहुँ जाते हैं और वो फिर वहाँ पे गायब हो जाते हैं या पता नहीं क्या होता है, ठीक है। देखना, सर्च करना, ऐसा कोई मूवी है, हॉलीवुड का मूवी है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं मूवी से। अब तो जहाँ चल रहे थे हम, यस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या बताता है हमें, उस ऑर्बिटल का, जिस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं उस ऑर्बिटल का स्पेस के अंदर स्पेशियल ओरिएंटेशन की बात करता है। ओरिएंटेशन का मतलब कि उसका किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट है, उसका अरेंज कैसे किया हुआ है वो स्पेस में, 3D स्पेस जो होता है उसके अंदर। और ये जो m होता है इसकी अगर आप वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू गिवन जो होती है, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है 2L+1, ठीक है।
अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप l कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इनका सीक्वेंस देखिए, n से आप जाएंगे l पे, l से आप जाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। m की वैल्यू डिपेंड करती है l पे, l की वैल्यू डिपेंड करती है n पे, ठीक है। एक्चुअली एरो मैंने उल्टा लगा दिया है, एरो ऐसे लगता तो अच्छा लगता, ठीक है। आप m से जाओगे l पर, m से जाओगे n पर, ठीक है, ऐसा। तो यानी ये डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है l के लिए, 2l प्लस 1 हो सकती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ये कहे कि किसी सब सेल के लिए ये जो m की वैल्यू हो सकती है वो कैसे गिवन होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना m की वैल्यू जो होती है, m की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, m की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, माइनस वेरी करती है माइनस l से वाया जीरो होते हुए, वाया जीरो होते हुए प्लस l तक, ये इसकी वैल्यू होती है, माइनस l से जीरो होते हुए प्लस l तक, ठीक है। ये इसको याद रखने का तरीका है, जिसकी हेल्प से आपको इसको पता किया जाता है कि l की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि अब तक जो मैंने समझाया है या जो भी बातें की है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए l की वैल्यू जीरो हो तो, l की वैल्यू जीरो यहाँ पे है, n की वैल्यू वन हो तो l की वैल्यू उसके लिए जीरो होगी, n की वैल्यू टू है तो उसके लिए l की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। जब l की वैल्यू जीरो होती है तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है, माइनस जीरो से जीरो और प्लस जीरो, यानी तीनों ही जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो होगी, m की वैल्यू क्या होगी उसके लिए जीरो होगी, और टोटल कितना हो गया, 2l प्लस 1, l कितना, जीरो, 2 इंटू जीरो, जीरो प्लस 1, 1, यानी कि m की एक ही वैल्यू आई और उसका वैल्यू कितना है, जीरो, ठीक है। m का वैल्यू कितना है, जीरो, और उस मैग्नेटिक स्पिन का कितना वैल्यू आया, एक सिंगल, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, अभी हमने जो देखा था ये 1s ऑर्बिटल इसकी बात कर रहा है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक स्पिन जो है, सॉरी मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर l की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 1 होने पर क्या होगा, l की वैल्यू 1 हो तो m की वैल्यू माइनस l से 0 और प्लस l तक होती है, तो माइनस n 0 और प्लस l प्लस 1, सॉरी, ये तो है आपका l का वैल्यू गिवन, और ये है आपकी m की वैल्यूज, माइनस 1 हो सकती है, 0 हो सकती है और प्लस 1 हो सकती है, यानी कि टोटल कितनी हो गई है, 3 हो गई, 3 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो फॉर्मूले में पुट करके। यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है आपको, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 कौन कौन सी, एक माइनस 1 वाली, एक 0 वाली और एक प्लस 1 वाली, ठीक है। और ये जो तीनों वैल्यू है, ये जो तीनों वैल्यू है, इनको हम आगे और नोटेशंस होते हैं उनकी हेल्प से अभी हम बताएंगे कि क्या मीनिंग होता है। ऐसे ही l की वैल्यू 3 पुट करने पर भी आपको ये 5 वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं 3 p ऑर्बिटल्स। ये है 1s ऑर्बिटल, ये 3 वैल्यू होती है तो उनको हम बोलते हैं कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी हम बताएंगे, px, py एंड pz, ठीक है। ऐसे ही अगर n की वैल्यू, l की वैल्यू 2 हो तो, l की वैल्यू 2 होने पर, कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बची है, तो l की वैल्यू 2 होने पर माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, ये 5 वैल्यू होती है टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, 5 वैल्यू होती है l इज इक्वल टू 2 के लिए। अब ये जो 5 वैल्यू होती है इनको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इनको हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि ये 5 डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। बस इतना ही याद रखना आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना इस लेवल पर, ठीक है। चलिए, तो किसी भी एटम के अंदर अब तक हमने जो कहानी सुनाई है, जो हमने कहानी डिस्कस की है, उसका हम थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं, कॉन्क्लूजन निकालते हैं कि किसी भी एटम के अंदर कोई एक ऑर्बिटल जो होता है, उस ऑर्बिटल के पास 3 चीज़ें होती है। किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसके साथ
तीन वैल्यूज़ का एक सेट होता है, और वो तीन वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है, एल दैट इज़ एन, सॉरी फर्स्ट एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एल, एल फॉर स्मॉल एल वाला, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक एम, एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इनकी हेल्प से ही कोई एटम का जो ऑर्बिटल होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट फिर से एक दिया हुआ है, एक टेबल गिवन है आपकी बुक के अंदर, और उस टेबल को आप देखिए, वैल्यू ऑफ एल, उसके बाद सब सेल का नोटेशन, और उसके साथ कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको आप देखने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है, याद रखना, आपको भी इसको कर लेंगे आप लोग याद, ठीक है। ये तो बात थी तीन क्वांटम नंबर की, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब एटम का स्पेक्ट्रम जो था उसका जब डिस्कशन कर रहे थे, या जब उस एटम का स्पेक्ट्रम का स्टडी कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उसके स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ फाइनर और फाइनर लाइंस का प्रेजेंस ऑब्जर्व किया गया, ओके, कुछ और ऑब्जर्व किया गया, और वो ऑब्जर्व किसा था कि जैसे मान लीजिए ये एक लाइन था, और ये एक दूसरा लाइन था, ये तीसरा लाइन था, ये आपको याद होगा ये डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है एटम का, है ना, ऐसा लगता है कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, लेकिन जब और स्पेसिफिक मोर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि ये जो लाइन है ये सिंगल लाइन नहीं है, इसके अंदर दो या तीन लाइन्स हैं, अगर इसमें दो लाइन है तो ये डबलेट है, और अगर इसके अंदर तीन लाइन्स हैं ऐसे छोटी छोटी और फाइन लाइन्स, तीन लाइन्स यहाँ पर, ये तीन लाइन्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबलेट ट्रिपलेट लाइनिंग्स। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से आ गया, ऐसा क्यों हुआ, ये स्पेक्ट्रम जो है इसके अंदर ये जो लाइन स्पेक्ट्रम जो था उस लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर ये और स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है। तो जब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस किया गया, और ज़्यादा स्टडी किया गया, तो दो साइंटिस्ट का नाम आता है, ओलहेनबेक और गॉडस्मिथ, ओलहेनबेक और गॉडस्मिथ, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के साथ या एटम के अंदर ऑर्बिटल जो होता है उसके साथ तीन क्वांटम नंबर नहीं होता है, एक और कोई एनर्जी लेवल होता है, एक और कोई एनर्जी लेवल होता है जो कि इस लाइन को स्प्लिट कर देता है, इस लाइन को दो या तीन में स्प्लिट कर देता है। और इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि ये बिकॉज दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन मोर क्वांटम नंबर, और ये जो क्वांटम नंबर था उसको उन्होंने क्या नाम दिया गया, स्पिन क्वांटम नंबर, क्या नाम दिया गया इसको, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एम और सबस्क्रिप्ट एस से डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए नोटेशन यूज़ किया था ML, और स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के लिए जो नोटेशन यूज़ करना है हमें वो है M, और उसका सबस्क्रिप्ट है S, स्मॉल S, वहाँ पर L था, यहाँ पर S है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है, मैंने ये नहीं कहा कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है, किस वाले पाथ में मूव करता है ये नहीं पता। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर भी मूव करता रहता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये मूव कर रहा है। तो इन द सेम वे जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर भी मूव करता रहता है ऐसे, ओके, और ये सेम ऐसे ही है जैसा हमारा जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अंदर जैसे हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रोटेट करता है, सबको पता है अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करता है, ओके, और ऑन द सेम वे ऑन द एट द सेम टाइम अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर भी मूव करता रहता है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, जब न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो साथ साथ में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करता रहता है, करेक्ट। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास मूव करने के लिए, दो ऑप्शन कौन से होंगे, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब देखिए, इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो है ऐसे मूव करता है या तो या ऐसे मूव कर सकता है, और अगर आप मेरा स्पिन देखते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ तो मेरा जो मूवमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो दिस इज़ द वे
ओके दिस इज द वे या इसका अपोजिट ऑन माई एक्सिस ओके ऐसा वाला वे, तो इनको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से आता है, देखिए घड़ी तो आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा। मान लीजिए ये कोई एक घड़ी है, घड़ी मतलब वॉच, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एक बड़ा सा निडल होता है, एक छोटा निडल होता है और एक और छोटा निडल होता है, ठीक है। बड़ा निडल सेकेंड के लिए, बीच वाला निडल मिडिल के लिए, छोटा सा निडल आवर के लिए। ये जो मूवमेंट है इसका, इसका मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। ये इसका मूवमेंट है इन दिस वे। अगर ये जैसे कोई अगर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ अगर इस टाइप में मूव कर रही है, इस टाइप में अगर मूव कर रही है तो उसको हम बोलते हैं सी डब्ल्यू, दैट इज़ क्लॉक वाइज, क्लॉक की तरह, घंटी या घड़ी की तरह। और अगर इसका उल्टा चले तो, मतलब घड़ी अगर उल्टी चलने लग जाए, ऐसे ऐसे चलने लग जाए, तो पहले 12 बजेगी, फिर 11 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे, ऐसा बजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एस सी डब्ल्यू, ए एन टी सी क्लॉक वाइज डब्ल्यू, एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन के पास में भी दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा या इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पर दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं, और ये ओरिएंटेशन जो है वो दो टाइप के स्पिन की वैल्यू को बताता है। और यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ से। प्लस हाफ का मतलब पॉजिटिव स्पिन, माइनस हाफ का मतलब नेगेटिव स्पिन। प्लस हाफ पॉजिटिव स्पिन, माइनस हाफ नेगेटिव स्पिन, तो ये आपको याद रखना है। और इसको हम कभी कभी दो एरो से भी डिनोट करते हैं। अपवर्ड एरो जो होता है वो बताता है आपका स्पिन अप, अपवर्ड एरो स्पिन अप, और डाउनवर्ड एरो स्पिन डाउन, ठीक है। तो ये स्पिन जो है वो क्या है, ये जो स्पिन है वो क्या है, दो टाइप का हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर के दो ही टाइप हो सकते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो ऐसा घूमेगा या फिर वो ऐसा घूमेगा, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव स्पिन के लिए हम ऊपर वाला एरो यूज़ करते हैं, नेगेटिव स्पिन के लिए हम नीचे वाला डाउनवर्ड एरो यूज़ करते हैं, या प्लस हाफ जो है वो पॉजिटिव स्पिन के लिए, ओके क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, और माइनस हाफ जो है वो हम जनरली नेगेटिव स्पिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसका उल्टा भी कर सकते हो, उसका अपोजिट भी कर सकते हो, फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव वाले को आप पॉजिटिव मीन्स क्लॉकवाइज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर ऑफकोर्स अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर एक से दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे। कितने हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और दो हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा ही अपोजिट स्पिन वाले होंगे। अगर दोनों का स्पिन आपने एक जैसा कर दिया, स्पिन का मतलब उनका रोटेट करने का मेथड, तो वो रिपल्शन हो जाएगा उनमें, उन दोनों में रिपल्शन होगा, और इसकी वजह से वो एटम जो है वो अनस्टेबल होगा, या ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा एक फनी ट्रिक बता देता हूँ कि एक हाउस के अंदर, एक ऑर्बिटल क्या है, एक हाउस है, उस हाउस के अंदर सिर्फ दो लोग ही रह सकते हैं, सिर्फ दो लोग, मैक्सिमम दो लोग ही रह सकते हैं, ठीक है, पति पत्नी, लेकिन वो के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो एक हाउस के अंदर पति और पत्नी सिर्फ दो ही लोग रह सकते हैं, वो के लिए कोई जगह नहीं है, ये याद रखना है आपको हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए अब तक हमने जो भी कहानी सुनी है, जो भी कहानी अपने बताई है, उनको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। तो सम अप करना क्या है, सब कुछ तो लिखा हुआ है बोर्ड पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल की बात करता है, सेल को डिफाइन करता है, साइज एटम की, सॉरी ऑर्बिटल की बताता है, और साथ साथ में उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी बताता है। दूसरा एन जो सब सेल होता है, एन जो सब सेल होता है वो किसी एन सेल के अंदर एन सब सेल्स होते हैं, ठीक है। और एल जो होता है वो क्या करता है, सब सेल को आइडेंटिफाई करता है, और जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप की बात करता है, ठीक है। किसी एन ऑर्बिटल के लिए जो नंबर ऑफ सब सेल्स हो सकते हैं 2L+1 होते हैं, हमने कहीं ना कहीं पे लिखा है 2L+1 होते हैं, ठीक है।
इसी तरह से जो M है वो हमें बताता है ओरिएंटेशन की बात, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, L पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला और फोर्थ पॉइंट जो है आपका मैग्नेट स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। बाकी की जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये है आज की क्लास के लिए, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 चैप्टर आपने अगर कर लिया अच्छे से तैयार तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।